दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड्स ऑफ लॉकडाउन। आज हम एक नई जर्नी करने जा रहे हैं जो कि बेतिया से गोरखपुर तक होने वाली है। तो आज की जर्नी जो वीडियो होने वाली है उस ट्रेन की संख्या जो है 04009 चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस, जो कि मैं अभी बेतिया के अपने होम टाउन में हूँ और बेतिया स्टेशन पे आ चुका हूँ। और वीडियो इस वीडियो जो है अभी बेतिया स्टेशन से शुरू होने वाली है। मैं अभी फ़िलहाल बेतिया स्टेशन पे हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कैमरा जो है फ्रंट पे है। तो ट्रेन जो है आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो इसको हम लोग जल्द से जल्द देखते हैं। इसका अराइविंग गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है। तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो की जो वीडियो है ये जर्नी वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाली है। तो इसका जो है अराइविंग हम लोग देखते हैं। अराइविंग हम लोग देखने से पहले मैं आप सभी को बेतिया की छोटी सी जानकारी में बता दूं। बेतिया पश्चिमी चंपारण का हेड क्वार्टर है। बेतिया शहर पहले बेत का जंगल हुआ करता था, जिसे इंग्लिश में केन भी हम लोग बोलते हैं, और इसी बेत के नाम पर बेतिया शहर का नामकरण भी हुआ था। यह हारदा नदी की प्राचीन तलहट्टी में स्थित प्रमुख नगर है। पहले बेतिया जमींदारी की राजधानी थी। जैसा कि आपको पता होगा, महात्मा गांधी जी ने बेतिया के हजारीमल धर्मशाला में रहकर सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत भी की थी। तो देखिए सामने से हॉर्न भी सुनाई देता होगा और ट्रेन जो है हमारी आ रही है। तो आप सभी को अब मैं इस ट्रेन की अराइविंग जो है दिखा रहा हूँ। ट्रेन यहाँ पे 3 मिनट, यानी कि बस 3 मिनट, कोरोना वायरस में ट्रेन जो है लेट नहीं चल रही है। तुगलकाबाद के वेब 4 के साथ चलती है चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस। इसका एसी जो है हमेशा आगे ही रहती है, इसमें एक ही एसी रहते हैं, इसके बाद स्लीपर है। तो इस ट्रेन का जो है डिपार्चर हम लोग देखते हैं बेतिया से। ट्रेन जो है 10:04 पे यहाँ से खुल चुकी है बेतिया से, देख पा रहे होंगे। बाय बेतिया। Thank you.
NKE यानी कि नरकटियागंज इसका स्टेशन कोड है जो NKE। यहाँ पे जो ट्रेन जो है आधा घंटा की देरी से आई है, तो हम लोग अब यहाँ पे ट्रेन जो है यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ के खुलने के बाद हरिनगर आएगी। नरकटियागंज स्टेशन जो यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण में ही पड़ती है। तो अभी हो रहे हैं 22:58 यानी अभी तक मैंने इस ट्रेन के बारे में जानकारी जो है दी नहीं है। तो यह हर एक रविवार को मोतिहारी से ओल्ड दिल्ली के लिए चलती है, तो वहाँ से मोतिहारी से जो 9:10 पे चलती है, और यह ट्रेन जो बेतिया जो हमारी जो 9:46 पे आती है। तो हम लोग की ये जो जर्नी है गोरखपुर तक होने वाली है। इस ट्रेन की मैं अगर छोटी सी बात बता दूँ तो यह जो है टोटल स्लीपर जो है इसमें S9 तक रहते हैं, और जनरल जो बोगी हैं 6 डिब्बों के साथ, और मात्र एक ही इस ट्रेन में एसी बोगी है यह गोरखपुर तक। बेतिया से गोरखपुर तक का जो डिस्टेंस है 146 किलोमीटर, इसकी एवरेज स्पीड की बात की जाए तो 47 किलोमीटर पर घंटा, और मैक्सिमम स्पीड जो है 110 किलोमीटर पर घंटा। तो मिलते हैं हम लोग अगले स्टॉपेज पर, तब तक आप लोग बने रहिए। यहाँ से जब ये खुल गई ट्रेन इसका मैं जल्द से जल्द डिपार्चर जो है दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोग को बाथरूम और जो बेसिन है और साफ सफाई इसका मैं अभी दिखाता हूँ। इतनी ख़राब कि आप लोग पूछिए मत। तो अभी हम लोग चलते हैं इसकी डिपार्चर देखने, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं। गाड़ी जो है अभी आधा घंटा की देरी से जो है चल रही है नरकटियागंज। हम लोग अभी यहाँ से गाड़ी अभी यहाँ से खुली है, अब हरिनगर में इसका स्टॉपेज है। नरकटियागंज यहाँ पे चीनी का उत्पादन जो है काफ़ी बहुत है, और यहाँ पे चीनी मिल भी है। सामने दिख रहा होगा पर आप लोगों को उतना दिखाई भी नहीं देता होगा। तो हम लोग अभी हम आप सभी को दिखाते हैं इसका टॉयलेट का जो कंडीशन है और बेसिन का। देखिए इस बोगी में कितनी गंदगी है, लग रहा है कि 1 साल से धुलाया भी नहीं है। डस्टबिन का हाल देखिए, कोई साफ सफाई नहीं है। वहाँ पे अगला जो डस्टबिन है उसमें तो इतना पानी उनी सब भरे थे, सफाई इसमें नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। चलते हैं इसकी टॉयलेट देखते हैं। अरे भाई इसमें तो लाइट भी नहीं है और साफ सफाई भी उतना नहीं है। पानी देखते हैं आता है कि नहीं, पानी भी गायब है। बताइए ऑफ ट्रेन है ये, मतलब मोतिहारी से खुल कर जा रही है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी गई है। देख लीजिए साफ सफाई भी नहीं है, देख लीजिए इसमें लाइट है तो पानी भी नहीं है। तो ये है भारतीय रेलवे की चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस। हम लोग एसी में आ चुके हैं, और एसी का जो ये देख सकते हैं बेसिन है, तो बेसिन में इसमें पानी है। इसका जो कंडीशन जो है अच्छा है, और हैंड वॉश भी है, इंडियन स्टाइल टॉयलेट है। तो अब तक जहाँ तक मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि 5 रेटिंग में हमें इस ट्रेन को 2 ही रेटिंग में देने वाला हूँ, क्योंकि इस ट्रेन का जो हालत है काफ़ी बिगड़े हुए हैं, लग रहा है कि 1 साल से साफ सफाई हुई नहीं है। तो मैं अभी एसी में आया हूँ, B1 में हूँ।
आ चुके हैं हरिनगर, जिसका स्टेशन कोड है HIR। यहाँ पे ट्रेन का ऑफिशियल टाइम था 22:40, तो यहाँ पे ट्रेन 40 मिनट देरी से आई थी, तो यहाँ पे भी लोग काफ़ी संख्या में लोग चढ़े हुए हैं। ट्रेन जो है 2 मिनट में ही खुल गई है। तो मिलते हैं बागा स्टेशन पे अगले स्टॉपेज पे, तब तक बने रहिए। तो हम सब आ चुके हैं BUG यानी कि बगहा। यहाँ पे ट्रेन का जो आने का समय था 11:07 पे, इसका ऑफिशियल टाइम था। अभी जो है गाड़ी 1 घंटे की देरी से आई है, तो यहाँ पे देरी से आई है। अब यहाँ पे ट्रेन यहाँ से खुलेगी तो एक के बाद कप्तानगंज, तो हम लोग मिलते हैं अब कप्तानगंज में। तब तक आप लोग जर्नी का इंजॉय कीजिए। बीच बीच में हम स्टेशन जो स्पीड में स्किप हो रहे हैं उसका मैं वीडियो दिखाऊंगा आप सभी को। अभी तो लॉकडाउन है, पर भी मैं ये जो जर्नी वीडियो है लॉकडाउन का ही है, और जो लॉकडाउन लगने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर कितना सुनसान है।
बात बता दूँ, आप लोग याद कीजिए, मैं रेलवे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में बताया था कि मैं जल्द से जल्द अपने यूट्यूब चैनल पे जर्नी वीडियो लाऊंगा। तो मैं आप सभी को बता दूँ, गोरखपुर जो मैं जा रहा हूँ वो ख़ास तौर पर जर्नी वीडियो के लिए, इतना रात को मैं अपने घर से निकल के, और जो है अभी जो बज रहे हैं 12:59, तो मैं ख़ास तौर पर जर्नी वीडियो के लिए ही जा रहा हूँ। मैं आप सभी से वादा भी किया था कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जल्द से जल्द जर्नी वीडियो आने वाली है। तो मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ, आप सब इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इस वीडियो को अभी इंजॉय करते रहिए। अभी जो है जर्नी आगे काफ़ी अच्छा होने वाली है। देखिए हमारे भारत के पुलिस जो है कितने ईमानदारी से अपना ड्यूटी जो है निभा रहे हैं। हम लोग अभी आ चुके हैं CPJ यानी कि कप्तानगंज, यह पड़ता है आप सभी को यूपी में। तो यूपी में हम लोग का ये जो है फर्स्ट स्टॉप है। यहाँ पे ट्रेन जो है 3 मिनट की देरी से आया था। कप्तान अगर से एकदम राइट टाइम यहाँ से खुली है ट्रेन 1:15 पे, 1:15 अभी हो रहा है।
फाइनली हम लोग एक घंटा बिफोर आ चुके हैं भारत के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म में से जाने जाते हैं। मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, तो आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी। तो हम लोग का ट्रेन जो है सामने लगी हुई है, गोरखपुर का स्टेशन कोड है GKP। तो आई होप यू आप लोग ये जर्नी वीडियो काफ़ी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। और गोरखपुर देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ से, साफ़ सफाई के मामला में बहुत आ गया है। तो मिलते हैं ऐसे ही जर्नी वीडियो में, तो आप लोग वेट थोड़ा कीजिए, मैं ऐसे ही फिर जर्नी वीडियो लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले जर्नी वीडियो में। वीडियो को लाइक फिर से बोलता हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो अभी बज रहे हैं, आप सभी को मैं इतना बता दूँ, बज रहे हैं 2:05 पे, गोरखपुर आ चुका हूँ। इतना मेहनत भाई कर रहा है, वीडियो को लाइक तो करना आप लोग को बनता ही है। तो वीडियो को यहीं तक एंड हम लोग करते हैं और मिलते हैं अगले जर्नी में। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, टेक केयर।